नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। फरीदपुर बरेली गौ तस्करों ने क्रूरता पूर्वक कई गोवंशों की हत्या कर अवशेषों को गन्ना के खेतों में फेंका। थाना फतेहगंज पूर्वी ग्राम सायपुर बानियान में देर रात अज्ञात गौ तस्करों ने क्रूरता पूर्वक गौवंशों की हत्या कर पप्पू के गन्ना और नत्थू के धान के खेत में ले जाकर गोवंशों के अवशेषों को दूर दूर फेंक दिया। प्रातः टहलने निकले ग्रामीणों की सूचना पर ताता लग गया। ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार खेत स्वामी पप्पू द्वारा गौ रक्षा संघ जिला महामंत्री संदीप शर्मा को दी गई। वह मौके पर पहुंचे और उक्त घटना की सूचना एसएसआई विजय प्रताप सिंह व 112 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अवशेषों को जेसीबी से अंतिम संस्कार कराया। उक्त घटना से क्षेत्रीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त निंदनीय कार्य गौमांस तस्करों का है। ऐसी ही घटना पूर्व में कई बार घटित हो चुकी है। गांव में रहने वाले दूसरे समुदाय के कुछ लोगों की मिलीभगत मानी जा रही है। गौ रक्षा संघ के जिला महामंत्री संदीप शर्मा ने बताया कि देर रात उक्त घटना में 3 गोवंशों को क्रूरता पूर्वक हत्या की तहरीर कार्रवाई हेतु दे दी है। वहीं उक्त घटना में एसएसपी बरेली ने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही दोषी सलाखों के पीछे होंगे। संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट, एबीपी 9 न्यूज, बरेली, उत्तर प्रदेश। जी जी, तो आपने इसमें क्या कार्रवाई के लिए क्या किया है अब तक? मैंने यहाँ तत्काल पहुँच के देखा सब। जी, सब मतलब उसके बारे में समझा सब। जी जी, उसके बाद तत्काल अपने थाना फतेहपुरी में एसआई विजय प्रताप सिंह को जी उन्हें फोन किया। वो यहाँ पे तत्काल आए जी, और उसके बाद 900 वो भी यहाँ पे पहुँची। जी जी, उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ देखा है। जी जी, लेकिन अभी तक कुछ ये नहीं मालूम चल रहा है कि कैसे मतलब और कब हुआ। कितनी गायों को काटा गया यहाँ पे है? आपने कोई तहरी वगैरह दी है कार्रवाई के लिए? जी, यहाँ पे 3 गायों के अवशेष मिले हैं हमें। जी, तो उसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? बस हम यही कार्रवाई चाहते हैं कि इन जिन लोगों ने ये गाय काटी हैं उनके खिलाफ उन्हें पकड़ा जाए और उनके खिलाफ राशिका लगाई जाए। जी, क्या उन क्या ऐसे लोग जो हैं उनका क्या तात्पर्य है इस चीज़ को, इस घटना को अंजाम देने का? तात्पर्य क्या, वो तो क्या कहना, गौ तस्कर हैं जी और गौ मांस की बिक्री वगैरह करते हैं। जी जी जी, क्या इस तरीके की घटना क्षेत्र में और भी हुई है कहीं? नहीं, पहले हुई थी लेकिन काफी हद तक हम लोगों ने इस पर काबू पाया है। जी जी, लेकिन अब ये काफी दिनों के बाद हमें ये चीज ये घटना सामने आ रही है हमारी। ये घटना क्या अब तक उस उन घटनाओं से बेहतर है, बड़ी है क्या? हाँ, ये उन घटनाओं से बड़ी है। जी जी।